हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गालियान मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो बायर काउंसलिंग एक्टिव है उससे जुड़ी हुई जानकारी हम लेकर आए हैं कि ये किस प्रकार से काम करती हैं, क्या इसका मुख्य रूप से काम होता है और क्या इसके बेनिफिट हैं। तो इनसे जुड़ी जानकारी लेकर आएँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके, आपसे कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो काउंसलिंग एक्टिव है ये बायर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और इसके ये एक हर्बिसाइड होती है, मतलब एक खरपतवार नाशक होती है ये। इसके अंदर जो बात करें हम इसके टेक्निकल साल्ट की तो इसके अंदर ट्राइफोमोन 20% और ओथो एक्सी सुल्फ्रोन है वो 10%, एक घुलनशील पाउडर फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये एक खरपतवार नाशक होती है जो धान के अंदर, जो धान की है वो रोपाई के बाद में या सीधी बुआई के बाद में आप इसे यूज कर सकते हो। देखिए ये मुख्य रूप से जो चौड़ी पत्ते वाली खरपतवार नाशक होती है उन पर और घास होती है उन पर आप ये इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि हम देखेंगे कि जो खरपतवार उग जाती है जब उसका एक या दो जो उसके अंदर से पत्ते निकलते हैं या फिर लीफ बोलते हैं उसको वो निकलते हैं तब इसका प्रयोग आप धान के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। निकलने के बाद इसको आप स्प्रे के थ्रू आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए हम बात करते हैं कि एकड़ के अंदर आप कितनी मात्रा में आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए एक एकड़ के अंदर आपको 225 ml आपको यूज करनी पड़ेगी और जो पानी की मात्रा है वो 300 लीटर आपको पानी की मात्रा आपको लिखनी पड़ेगी और इसके जो वेटिंग पीरियड होता है, जो स्प्रे का वेटिंग पीरियड होता है वो 83 दिन का होता है। ये असर अपना 5 से 7 दिन के अंदर अपना ये असर दिखाना शुरू कर देती है और ये धान के लिए अब काफ़ी अच्छी दवाई है जो कि इसके अंदर होने वाले खरपतवार को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम और जो हम डोज बोलें, जो ग्राम के अंदर डोज बोलें तो आप जैसे कि ट्रांसप्लांट के समय, जैसे कि धान की रोपाई के बाद में आप इसे 45 ग्राम यूज कर सकते हैं। अगर आपने धान की सीधी बिजाई की है, डायरेक्ट सीडलिंग की है, सीधी बुआई की है तो उसके अंदर आप 22.5 ग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। पानी की मात्रा वही रहेगी, 300 ग्राम दोनों में सेम रहेगी पानी की मात्रा। और बात करें इसकी प्रभाव की तो इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा है, हमें 5 से लेकर 7 दिन के अंदर में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी प्राइस की कीमत की बात बताएं तो 90 ग्राम का जो प्राइस की कीमत है वो आपको, जो 90 ग्राम के पैक की कीमत है वो लगभग आपको 1800 रुपये आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये हमें 1500 लेकर 1600 रुपये के बीच में हमें ये मिल जाता है। और इसका प्रयोग करते समय हमें सावधानी रखनी पड़ती है थोड़ी, वो आपको सावधानी रखनी होगी और इसका काफ़ी इफेक्टिव इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और इनकी खरपतवार की इमेज है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप एक्टिव काउंसलिंग एक्टिव को आप 3 तरह से भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आप इसे नर्सरी के समय भी यूज़ कर सकते हो, जब आप धान की नर्सरी लगाते हैं तो उस समय भी यूज़ कर सकते हो। उसमें 1 एकड़ के अंदर आपको 45 ग्राम आप यूज़ कर सकते हो और ट्रांसप्लांटिंग के 0 से लेकर 3 दिन के अंदर में भी आप 45 ग्राम आपको यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो नोजल है वो थोड़ी, जिसका फुहारा ज़्यादा हो वो यूज़ करनी पड़ती है और या फिर आप उसको रेत वगैरह या खार में मिलाकर यूज़ कर सकते हो। और आपको रोपाई के ट्रांसप्लांट के 3 से 7 दिन के बाद में आप इसको 90 ग्राम यूज़ कर सकते हो। 3 से 7 दिन की रोपाई के बाद में आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद में आप इसे 90 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। इसका रिजल्ट काफ़ी बेटर देखने को मिलता है और आप इसे ज़्यादातर ये धान के अंदर यूज होती है। जब आपको इसको यूज करते हैं तब आपके पानी खेत के अंदर पानी होना चाहिए, उस पानी को किसी अन्य खेत के अंदर ना उतारें, उसके अंदर पानी की जो पानी है वो होना ही होना चाहिए वरना ये अपना काम नहीं करता, सूखे में अपना काम नहीं करेगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे।